एक बूढ़ा बाप कह रहा था मेरठ का, कह रहा था बड़ा दुखी रहता हूँ, मेरा बेटा गाड़ी भी लाया है तो मुझको नहीं बिठाता है। तो मैंने कहा किसको बिठाता है? अपनी पत्नी को। बोले उसको भी कम बिठाता है। तो फिर किसको बिठाता है? बोले उप पत्नी है उसके पास। तो मैंने आज तक तो उपराष्ट्रपति उप मुख्यमंत्री सुना था, उप पत्नी भी सुना। बोले उसको बिठा के घूमता रहता है। तो हमने कहा उसकी पत्नी विरोध नहीं करती? बोले करती है पर उसकी चलती नहीं है। तो हमने कहा तुम विरोध करते हो? बोले हम तो विरोध करके थक गए, बंद कर दिया बस, ठीक है, देखता रहता हूँ उप पत्नी जा रही है। अब ये सब क्या नाटक बना बना के रखते हो? मैं लेडीजों से कहूंगा कि कोई दूसरे पति में, दूसरे पुरुष में कतई मत आकर्षित हो, अपने पति में प्रेम रखो, दुनिया के सभी लोगों का सम्मान करो, बुरा नहीं है, लेकिन मन को चंचल मत होने दो। आपकी गृहस्थी उस समय सबसे ज्यादा डामाडोल हो जाती है जिस समय तुम्हारा प्रेम अपने पति के अतिरिक्त कहीं भटकता है, अपनी पत्नी के अतिरिक्त कहीं भटकता है, उस समय गृहस्थी का प्लेटफार्म पूरा हिल जाता है। इसलिए याद रखना, एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का नियम भी पालन करो, इधर उधर देख करके ललचाया मत करो। ये मन की आदत है, जो इसको प्राप्त हो जाता उसमें इसको अच्छा नहीं लगता है, उससे ऊब जाता है, और जो चीज प्राप्त नहीं होती उधर ललचाता रहता है। तुम्हें जो गाड़ी मिल गई है उसमें तुम्हें कमी दिखाई देती है, और जो गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास सड़क पर निकलती हुई देखते हो तो ललचा तो ये गाड़ी लेना है, और वही गाड़ी अगर ले लो तो 10 महीने में उससे उब जाओगे। बोलो ये भी ठीक नहीं, इसका कलर ठीक नहीं, ब्रेक ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। जिस लड़की के साथ विवाह करने के लिए तुम मन्नत करते थे, सभी मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते थे, गुरु से आशीर्वाद मांगते थे, इस लड़की के साथ विवाह हो जाए बस इतना ही मांगता हूँ, आखिरी मांग है, कोई और मांग नहीं होगी, और उसके साथ विवाह हो गया, 2 साल के बाद फिर हाथ जोड़कर मांग रहे हो कि इस चंडिका देवी से छुटकारा हो जाए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ये सब क्या कर रहे हो तुम? ऐसे लड़कियों का भी है, जिस लड़के के साथ विवाह करना चाहती हैं, इतना मन्नत करती हैं, मांग करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और उसी के साथ विवाह हो गया, 10 महीने बाद इतना उब गई, कहती हम तो नरक में पड़ गए, इससे कौन छुड़ाएगा? तो जो फंसाया है वही छुड़ाएगा, और कौन छुड़ाएगा? क्यों रो रही हो? अपने को एडजस्ट करना सीखो, सेटिंग करना सीखो। 1000 पत्नियां बदल दो, 1000 पति बदल दो, तो भी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं होगा। अगर मन को समझाने की कला है और विवेक अंदर जाग गया है तो बिना पति के बिना पत्नी के भी तुम संतुष्ट हो सकते हो। इसलिए अपने आप को समझाना सीखो। एक माँ ने अपने बेटे को रात में 9 बजे हाथ पकड़कर झकझोरा और एक थप्पड़ मारा। उसने कहा क्या समझ रखा तूने? बोले जो समझा वही समझ कर रखो, थप्पड़ क्यों मार रही हो? तो उसने कहा तेरा बाप 1 महीने से समझा रहा कि शादी कर ले, शादी कर ले, तू ना 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 करता घूम रहा है, अकल है तेरे को? बोले अकल तो आपको थी, आपने शादी किया तो रोज लड़ाई करते हो, तो देख रहा हूं। तो हम अकल की तुम बेअकल, अब पता चले कौन अकल बकल। तो माँ ने कहा कि बाप को परेशान मत कर, शादी कर ले, मेरी अंतिम बात मान ले। उस लड़के ने कहा शादी करने की इच्छा ही नहीं है, अकेला रहूंगा, ठीक है। माँ ने कहा इससे बड़ा मेरा कोई दुख नहीं होगा, शादी करो, वंश कैसे चलेगा? उस लड़के ने कहा कि विचार कर लूंगा। अच्छा, सवेरे उसके पिता ने फिर बुलाया कि कुछ दिमाग में समझ में पड़ा? उसने कहा पिताजी क्यों परेशान करते हो, शादी में कोई सुख नहीं है और बिना शादी के कोई दुख नहीं है, और जो जैसा रहना चाहे उसको रहने दो, अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहो जियो, हमको क्यों ढकेल के फंसा रहे उसमें? जेही जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वही कही कुशलाता। तो बाप ने कहा कि बात को पछताएगा, भटकेगा, मारा मारा घूमेगा, कोई शादी वादी होगी भी नहीं, कर लो नहीं तो बाद को सोच ले। तो उसने कहा ना बाद में पछताना है ना पहले पछताना है, बस ठीक है। दिन बीत गया, रात बीत गई, सवेरे फिर बाप ने बुलाया, कुछ समझ में आया? तो उसने कहा मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो शादी के लिए? चलो अब नहीं मानते हो
तो जो अपने मोहल्ले में अमुक पटेल की लड़की ही उसके साथ कर सकता। बोले उसके साथ तो कभी नहीं करना है तुझे। बोले क्यों? वो लड़की खराब है क्या? बोले लड़की तो अच्छी है पर उसको तेरी बहन है। बोले मेरी बहन है? मेरी बहन कहाँ से हो गई? मेरी बहन तो मेरे घर में। बोले तुझे क्या पता उस लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है इसलिए वो तेरी बहन लगती है। तो उसने पिता के पैर छुए, कहा अब हम सबको बहन ही मान लेते हैं, बस छुट्टी काम कर। क्योंकि ये पिताजी जब आपका मन इतना चंचल है, मेरी माँ है उसके बाद वहाँ गलत संबंध क्यों किया? तो बाप ने कहा ये प्रवचन मत समझा, चुप रहे, बात मत कर, बड़ों से बात नहीं करना चाहिए। बेटा चुप हो गया। शाम हुई तो माँ ने बुलाया कि कुछ तूने सोचा? उसने कहा सोचा तो था, पिताजी को बताया भी मैंने कि मोहल्ले में जो पटेल जी की लड़की है उसके साथ कर लेंगे शादी, ज्यादा परेशान हो तुम लोग इसलिए, नहीं तो इच्छा नहीं। तो पिताजी ने कहा वो तेरी बहन लगती, उसके साथ नहीं करना है। तो मैंने कहा कि बहन कैसे लगती? तो पिताजी ने कहा उसकी माँ से गलत संबंध उनका है। तो मैंने तो कसम खा लिया अब हम सबको बहन मान लेंगे, अब करेंगे ही नहीं। तो माँ ने कहा कि तू बेवकूफ, तेरा बाप बेवकूफ वो तेरी बहन नहीं लगती है। बोले कैसे नहीं लगती है? तो माँ ने कहा कि तू इस बाप का है भी नहीं, तू दूसरे बाप का है पूरा निपटा के रख दिया, तू कर ले जाकर। अरे बोले मैं नहीं करूंगा। वैसे ऐसे खिलाड़ी लोग हैं, क्या सीखोगे, क्या सिखाओगे, क्या करोगे, क्या करना है, थोड़ा सोच। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ऐ गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। तो बाप और माँ दोनों बेटे के पास इकट्ठा होते हैं और एक गीत की कड़ी गा रहे हैं। क्या? बेटा गलती तो मुझसे हुई है। माँ कहती है बेटा गलती मुझसे भी हुई है, लेकिन तू मुझसे ज्यादा महान है। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे, पछताता है दिल।